नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। लोकगीत के लिए इन्हें बिहार कोकिला एवं पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। इन्होंने मैथिली, बिजिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए हैं। मैंने प्यार किया था, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में भी इनके द्वारा गाए गए गीत काफी प्रचलित हुए हैं। iocl अप्रेंटिस ने निकाली रिक्तियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई ने टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस, नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस और डेटा एंट्री के लिए कुल मिलाकर 500 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं या संबंधित विषय में ITI या डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक www.iocl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 10 मार्च को मनाई जाएगी होली। रंगों के त्यौहार होली के आगमन में बस अब कुछ ही दिन और बचे हैं। ऐसे में अब होली मनाने की तारीख पर संशय की स्थिति बरकरार थी। हालांकि अब खबरों की माने तो होलिका मनाने की तारीख 9 मार्च को रात 11:26 पर तय की गई है। वहीं होली 10 मार्च को मनाने की बात की पुष्टि की गई है। CTET आवेदन की तारीख एक बार फिर बढ़ी। CTET के लिए आवेदन भरने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आप भी CTET का फॉर्म भरना चाह रहे थे और किसी कारणवश आप नहीं भर पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से CTET परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तारीख को बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सभी अभ्यर्थी 9 मार्च तक CTET के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं इस परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को होने वाला है। ठहाके की गूंज से गूंज उठा सदन। जहां हर रोज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलता है, वहीं बीते मंगलवार का दिन कुछ अलग रहा। जहां विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच में विरोध के बजाय हंसी ठहाके का माहौल देखने को मिला। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि आप सब हमारी बात सुनते नहीं है और बीच में ही बोलने लगते हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि हमने आपसे कहा था ना कि असली बात मंत्री जी सबसे अंत में ही बोलते हैं, जिसको सुनकर सदन में बैठे सभी नेता जोर से हंसने लगे। बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए है हितकारी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो सकती है, जिसकी सहायता से अब किसान अपनी फसलों के लिए आसानी से सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ बीमा का भी लाभ उठा सकते हैं। बस इसके लिए किसानों को cooperative.bih.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेजों की प्रतिलिपि को भी जमा करवाना होगा। विधानसभा में एक बार फिर उठा नियोजित शिक्षकों का मुद्दा। बिहार में नियोजित शिक्षकों का मुद्दा अब राजनीतिक रंग में रंगने लगा है, जिसके तहत सदन में एक बार फिर से जोर शोर से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा विपक्षी दलों द्वारा उठाया गया है। प्रश्नोत्तर का समय खत्म होने के बाद सत्यदेव राम ने सरकार से जवाब मांगते हुए नियोजित शिक्षकों के मामले में उनकी कार्य योजना का वर्णन करने की मांग की। गांधी सेतु का पश्चिमी लेन शुरू हो जाएगा अप्रैल महीने से। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। जल्द ही सभी राजधानी वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलने वाला है, क्योंकि परिवहन विभाग ने गांधी सेतु पर वाहनों के परिचालन की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अप्रैल महीने से इस सेतु पुल का पश्चिमी लेन खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी इस लेन के निर्माण का काम किया जा रहा है, इसके पूरा होते ही गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तैयारियों में जुटी नीतीश सरकार। राजस्व संग्रह की समस्या से जूझ रही राज्य सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत अब 85 शहर के हर एक घर और प्रॉपर्टी को होल्डिंग टैक्स जमा करवाने का आदेश दिया गया है, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। बिहार के 8 जजों का हुआ ट्रांसफर। बिहार के लगभग 8 जजों का तबादला किया गया है, जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके दी है। खबरों की माने तो तबादले की सूची में शामिल आधे से ज्यादा न्यायाधीश का तबादला विशेष न्यायालय में कर दिया गया है। इसमें न्यायाधीश रवि रंजन, न्यायाधीश मनोज कुमार टू, न्यायाधीश मनीष द्विवेदी, न्यायाधीश अखिलेश कुमार झा समेत कई न्यायाधीशों के नाम शामिल हैं। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लगाई जाएगी लेजर स्कैनर मशीन। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए स्टेशन पर नई मशीनें लगवाई जाएंगी, जिसके तहत 2 छोटी और 6 बड़ी लेजर स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्टेशन पर लगने वाले हाई क्वालिटी कैमरों को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये पटना जंक्शन में बन रहे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। पटना जंक्शन के साथ ही दानापुर डिवीजन के करीब 10 रेलवे स्टेशनों पर कैमरा लगा भी दिया गया है।
बदलेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जल्द ही सूरत बदलने वाली है, जिसके तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसी सुविधा देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो आंगनबाड़ी की सूरत बदलने की जुगत में सरकार सबसे पहले बिहार के 78 आंगनबाड़ी केंद्रों के दीवारों को रंगने और चमकाने का काम करेगी। वहीं छात्रों को बैठने के लिए भी रंग बिरंगी कुर्सियों का इंतजाम किया जाएगा। महिला अंडर 19 में बिहार को लगातार मिली पांचवी जीत। आंध्र प्रदेश में आयोजित महिला अंडर 19 एक दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने सिक्किम को हराते हुए 127 रनों की शानदार जीत दर्ज की है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार की टीम सभी मैच में जीतकर 20 अंकों के साथ पहले स्थान पर विराजमान हो गई है। आपको बताते चले कि बिहार ने इसके पहले चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय को भी हराया है। किशनगंज में बनने जा रहा है सूबे का पहला हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर। बिहार में विकास की एक और नई पहल की गई है, जिसके तहत बिहार का अब तक का सबसे पहला हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का निर्माण जल्द ही बिहार के किशनगंज में होने जा रहा है, जहां पर उद्यानिक फसलों पर रिसर्च का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इस हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए 45 वैज्ञानिकों समेत 90 पदों पर स्वीकृति दे दी है। नई खबरों की माने तो इस रिसर्च सेंटर का काम अप्रैल महीने से शुरू कर दिया जाएगा। पटना की सड़कों पर एक बार फिर उतरे दरोगा अभ्यर्थी बीते कई दिनों से अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर उतरे इन सभी दरोगा अभ्यर्थियों की मांग है कि दरोगा बहाली की परीक्षा का आयोजन फिर से करवाया जाए, क्योंकि उनके अनुसार बीते परीक्षा में कई जगहों पर पेपर लीक किए गए थे। इसके साथ ही इन सभी अभ्यर्थियों ने सरकार से दरोगा बहाली की प्रक्रिया की जाँच करवाने के लिए सीबीआई जाँच की भी मांग की है। बिहार विधानसभा में लगाई गई इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग मशीन। बिहार विधान मंडल परिसर के बाहर नेताओं की सुविधाओं को देखते हुए हाल ही में इलेक्ट्रिकल कार की चार्जिंग मशीन का आवंटन किया गया है, जिससे कि अब नेताओं की गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता इलेक्ट्रिकल कार की सवारी करते हैं। पप्पू यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी। जा प्रमुख पप्पू यादव की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है, ऐसे में उन्हें बीते दिन पटना से दिल्ली बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद उनकी स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है। हालांकि उन्हें अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। उन्हीं से मिलने हम प्रमुख जीतन राम मांझी हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने पप्पू यादव का हालचाल लिया, साथ ही साथ उनकी सेहत का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर राबड़ी देवी ने कसा तंज। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी का एक अजीब सा ट्वीट सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने का दावा किया था, जिसके बाद सियासी गलियारे में तरह तरह के बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जनता से हर दिन झूठ बोलने वाले को एक न एक दिन भागना ही था। रघुवंश सिंह ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी। राजनीति में जितने जानकार बैठे होते हैं उतने ही ज्योतिष भी बैठे होते हैं, जो आए दिन अपनी भविष्यवाणी का प्रमाण देते रहते हैं। इसी क्रम में बिहार की राजनीति में भी भविष्यवाणी का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत राजद नेता रघुवंश सिंह ने मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि देश में शांति के लिए सभी गैर भाजपाई पार्टी को एक साथ आने वाले हैं, इसीलिए बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री राजद के साथ होंगे। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर, छपरा में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच में भारतीय टीम के ये खिलाड़ी हो सकते हैं शामिल। न्यूजीलैंड दौरे के बाद अब भारतीय टीम 12 मार्च से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति इस बार टीम में बदलाव कर सकती है, जिसके तहत टीम में एक बार फिर से शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो सकती है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में धवन, भुवनेश्वर और पांड्या का खेल देखने आया था। अब उनमें खेल के प्रति वही पुराना उत्साह नजर आ रहा है, सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इन खिलाड़ियों की मैदान में वापसी हो सकती है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,060 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,800 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 45,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.25 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 78.76 रुपए प्रति लीटर था।
इरफान की फिल्म के प्रमोशन में जुटी बॉलीवुड की कई हीरोइन रिकॉर्ड किया एक अनोखा वीडियो। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम का एक ट्रेलर और गाना रिलीज हो गया है, जहां पर लंबे समय के बाद इरफान खान एक बार फिर से पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। हालांकि अभी इरफान खान की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से प्रमोशन नहीं कर पा रहे, मगर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साथ मिलकर फिल्म के अपकमिंग गाने कुड़ीनू नचने दे को प्रमोट किया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कई एक्ट्रेस वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं और हंस रही हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि सभी एक्ट्रेस मस्ती के मूड में हैं और अलग अलग एक्टिविटी कर रही हैं। डिश टीवी यूजर्स को अब मिलेगा ज्यादा फ्री चैनल्स। डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी ने भी अपने यूजर्स के लिए एनटीओ 2.0 को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब डिश टीवी देखने वाले यूजर्स को कई और चैनल्स का विकल्प देखने को मिलेगा। हालांकि डिश टीवी ने इस नियम को फिलहाल केवल प्राइमरी कनेक्शन के लिए लागू किया है, मल्टी टीवी कनेक्शन के लिए इसे लागू नहीं किया गया है। नए टैरिफ नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को अब पहले के मुकाबले दोगुना फ्री टू ईयर एचडी चैनल्स दिखाए जाएंगे। बिहार के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी हुई कैंसिल। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को अधिसूचना जारी करते हुए यह बता दिया है कि बिहार के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि होली पर्व 2020 के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी को 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक स्थगित किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, छोटे कुमार, ब्रिजेश यादव, राकेश वर्मा, प्रमोद कुमार, पिंटू कुमार शर्मा, आर कुमार, स्वराजपाल यादव, प्रवेश कुमार, अनिल कुमार, अतीक खान, अविनाश कुमार, बबलू कुमार, यदुवंशी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दरोगा अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा की मांग कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।